हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश से होंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके जीएस से होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला ये गया है गाइस, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको सिनोनिम्स बताना है। वर्ड्स दिया हुआ है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, डेवलपमेंट होगा, या फेल्योर होगा, या डिक्लाइन होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सब कोई, बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ग्रोथ का मतलब सबको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से सबको ही बताओ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि करना, विकास करना, ठीक है, उन्नति करना आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब किसका मीनिंग हो गया, ग्रोथ का। ठीक है, तो इसी का सिनोनिम्स बताना है। तो क्या अब इसका सिनोनिम डिक्रीज होगा, तो बिल्कुल नहीं। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, कमी करना किसी चीज़ में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो जी हाँ यही है इसका राइट आंसर। डेवलपमेंट का मतलब होता है उन्नति करना, विकास करना, है ना, वृद्धि करना। तो ये जो है मेरा बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ का। और फेल्योर, फेल्योर तो होगा नहीं, फेल्योर का मतलब सबको पता है, असफलता होता है इसका मतलब, विफलता, असफलता, है ना, तो ये तो होगा नहीं। और डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये भी नहीं होगा। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन करना, उन्नति करना, ये जस्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ का। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ग्रोथ का अगर एंटोनिम पूछता तो डिक्रीज हो जाता आपका, ठीक है, और फेल्योर भी हो जाता और डिक्लाइन भी हो जाता। ये तीनों क्या है, एंटोनिम्स हो गए। यानी डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन होना, अवनति होना, यानी वो उन्नति नहीं कर रहा है, वो जो है अवनति हो रहा है ना। तो ये जो है मेरा मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रोथ का, सिनोनिम्स डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का सिनोनिम्स बताना है। तो ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो ऑब्जर्विंग का मतलब होता है समीक्षा करना, ठीक है, समीक्षा करना, निगरानी करना, देखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्विंग का मतलब, ये क्या, समीक्षा करना, निगरानी करना, देखना, ठीक है। तो अब बताओ अब क्या इसका सिनोनिम्स होगा, क्या लुकिंग होगा, नहीं, लुकिंग का मतलब होता है क्या, देखना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर निगरानी की जा रही है, समीक्षा किया जा रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल भी नहीं होगा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकल का मतलब होता है ऐसा मतलब सिचुएशन में जो कि बहुत ही बदतर सिचुएशन हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो, ठीक है, उसको क्रिटिकल बोलते हैं। वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब क्या होता है, वाचिंग का मतलब होता है देखना। तो जी हाँ, देखना, समीक्षा करना, निगरानी करना, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग का जो बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। और एग्जामिनिंग का मतलब क्या होता है, एग्जामिनिंग का मतलब होता है गाइज आप लोग बोल सकते हो बहुत ही सावधानी से विचार करना, तो ये भी जो है नहीं होगा। तो यहाँ जो है इसका ऑब्जर्विंग का बेस्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वाचिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गाइस, पिक अप द करेक्ट एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ जो है अब हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। वर्ड्स दिया हुआ है इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब क्या होता है, इंटेंगल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंटेंगल का मतलब होता है जाल में फंसना, जाल में फंसना बोल सकते हो, जाल में फंसना, कठिनाइयों में डालना, यानी पजल टाइप का होना है एक तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना, फंस जाना किसी भी चीज़ में। तो इंटेंगल का मतलब क्या हो जाएगा, जाल में फंसना, फंस जाना। तो अब इसका एंटोनिम्स बताना है, क्या रैप होगा, तो बिल्कुल नहीं। रैप का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब होता है छिपाना, लपेटना, तो ये तो होगा नहीं। और ये क्या दिया है, अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्ट होगा, तो अरेस्ट भी नहीं होगा। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ये भी नहीं होगा। स्कैप, स्कैप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है फ्री, फ्री जो है इसका बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। फ्री का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना, मुक्त अवस्था में होना,
तो इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब क्या बताया था मैं, जाल में फंसना, ठीक है, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में, यानी मुक्त अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका जो है एंटोनिम्स बताना है, जल्दी से सब कोई बताओ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता, तो गाइज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, इसका मतलब होता है भेदभाव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज के इस जनरेशन में कितना भेदभाव किया जाता है, यानी जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं वो छोटे कास्ट के लोगों से कितना ज़्यादा भेदभाव मतलब करते हैं, जो कि ये मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है समाज में, मतलब बहुत ही ये मतलब किस टाइप के लोग होते हैं जो भेदभाव करते हैं, ये जो है असामाजिक टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब भेदभाव ज़्यादा करते हैं, और समाज भी जो है इनकी कड़ी निंदा करता है। तो ऐसा जो है हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम लोग को जो है सबको इक्वालिटी में रहना चाहिए, सबको समानता मतलब देना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या मैं बताया, भेदभाव, ठीक है। तो अब तो मालूम चल ही गया होगा आपको कि इसका बेस्ट एंटोनिम्स क्या होगा, तो इनक्रिमिनेशन होगा, इनक्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी। तो जी हाँ इक्वालिटी है इसका जो है बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता होता है। पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या होता है, मतलब बांट देना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, ये भी नहीं होगा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना, है ना, और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता, यानी मतलब एकदम इक्वली में रहना, इक्वालिटी करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु मेंड्स शूज इज कॉल्ड, यानी आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब शूज़ की मरम्मत करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, बताओ। सबको मालूम है, हिंदी में तो सबको पता है कि उसको मोची कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड्स दिया है तो इंग्लिश में क्या कहेंगे उस व्यक्ति को, सबको ही राइट आंसर दो इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, कॉबलर होगा, प्लम्बर होगा, मैकेनिक होगा, या शूज़ शाइन होगा। तो देखो यार सबको पता है यहाँ पर प्लम्बर तो होगा नहीं, ठीक है। प्लम्बर किसको बोलते हैं, जो मतलब नल वगैरह का काम करता है उसको प्लम्बर बोलते हैं ना, तो ये तो होगा नहीं। मैकेनिक भी नहीं होगा, शूज साइन ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, कॉबलर। कॉबलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो जूतों चप्पलों की मरम्मत करता हो, यानी उसको सुधारता हो, सही करता हो, तो उसको बोलेंगे, है ना, कॉबलर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजपूत फाउट डैश अगेंस्ट द मुगल, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्रुएली होगा या क्रुएली होगा या फायरसली होगा या ग्रेटली होगा या ब्रेवली होगा, तो जल्दी से राइट आंसर दो। द राजपूत फाउट डैश अगेंस्ट द मुगल्स, तो क्रुएली होगा या फायरसली होगा या ग्रेटली होगा या ब्रेवली होगा, जल्दी से बताओ। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ब्रेवली होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो राजपूत हैं उन्होंने लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, मुगल, मतलब मुगल जो साम्राज्य था उनके खिलाफ जो है राजपूतों ने युद्ध किया, तो वो क्या थे, एक तरह से ब्रेव थे, बहादुर थे, तभी ना उन लोगों ने युद्ध किया, ठीक है। तो क्रुएली तो थे नहीं, ठीक है, और बात करें फायरसली तो ये भी नहीं थे, ठीक है, ग्रेडली क्या लालची थे, नहीं थे, तो ब्रेवली थे, यानी वो बोल सकते हो आप लोग साहसपूर्वक थे, तभी ना उन लोगों ने मुगल के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डैश शूज बिलोंग टू बिनय, दे आर डैश, बताओ तो इसका क्या होगा, इसमें क्या फील करेंगे, दे आर फील करेंगे, देयर फील करेंगे या देयर्स फील करेंगे, हीज करेंगे या हर फील करेंगे, जल्दी बताओ। यानी देयर शूज बिलोंग टू बिनय, दे आर डैश। तो यहाँ देखो गाइज यहाँ पे जो
देस सूज हैं, यानी जो सूज हैं वो किससे संबंधित है, वो विनय से संबंधित है, सबको पता है। तो यहाँ पर विनय के लिए जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो विनय क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। अब ही का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा, बहुत ही सिंपल है, कन्फ्यूज़ मत होना। यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बताओ यहाँ पे किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, डी का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, या नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, जल्दी से बताओ। डैश द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पे जो प्रयोग होगा वो डी का प्रयोग होगा, सबको मालूम है। अब डी का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि हमेशा आप लोग नोट कर लो, नोट करना चाहो तो, डी का प्रयोग जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी डी का प्रयोग हमेशा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला हो गया है ना, ताजमहल हो गया, गोलघर हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इस सब के पहले, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और इन सब के पहले जो है आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ही वीपीआई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू गर्ल्स कोमा रीमा इज डैश देन द अदर्स। तो यहाँ पर हमेशा आप एक चीज़ नोट करके रखना है ऐसे सेंटेंसेस में, पहले बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा मैं भी जानूँ कि आप लोगों का राइट आंसर क्या है। तो जल्दी बताओ, ऑप्शन है प्रेटी प्रेटियर मोर प्रेटी मोर प्रेटियर। तो जल्दी बताओ, सेंटेंस है ऑफ द टू गर्ल्स कोमा रीमा इज डैश देन द अदर्स। तो चलिए मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे सेंटेंसेस, यानी जो ऑफ द टू से शुरू हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीमा जो है, रीमा की तुलना की गई है अदर से, तो जब भाई तुलना किया जा रहा है तो कंपेयर किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं पूछूं आपसे, प्रेटी, प्रेटी का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, सबको मालूम है, ठीक है, तो प्रेटी का मतलब सुंदर होता है। अब इसका जो है कंपेरेटिव क्या होगा, तो इसका कंपेरेटिव होता है प्रेटियर, ठीक है, प्रेटियर। तो यहाँ जो है प्रेटियर, यानी ऑप्शन बी का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी प्रैटियर जो है उसका प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, तो बता पाओगे आप लोग, जल्दी बताओ गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जल्दी बताओ गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बेटर, यानी गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। और अगर मैं पूछूं आपसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो वर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, ठीक है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है और सुपरलेटिव वर्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब लोग देख, सॉरी बहुत ही गलत हो गया ये तो। देखो गुड का कंपैरेटिव तो सही था, ठीक है, क्या होता है, बेटर होता है, और अगर मैं सुपरलेटिव की बात करूँ तो ये हो जाएगा बेस्ट, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो गुड का कंपैरेटिव बेटर हो गया और सुपरलेटिव होता है बेस्ट होता है। और अब अगर मैं पूछूँ आपसे बैड, बैड का जो कंपैरेटिव क्या होगा, तो बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, ओके, और सुपरलेटिव जो होता है वो होता है वर्स्ट, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, बहुत ही वीवीआई है, पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि बैट का जो है सुपरलेटिव क्या होता है, तो वर्स्ट होता है और कंपैरेटिव वर्स होता है, WORSE, वर्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल विथ द लॉन्ग ब्राउन हेयर डैश माई बिलव्ड। तो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा, या एम का प्रयोग होगा, जल्दी बताओ। यानी द गर्ल्स विथ द लॉन्ग ब्राउन हेयर डैश माई बिलव्ड। तो गाइज
देखो ये सेंटेंस में जो है ऑप्शन ए यानी इज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। अब कैसे होगा इसका एक रूल है वो जान लेते हैं हम लोग। रूल क्या है, यदि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल है, यदि सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, यदि सब्जेक्ट के बाद विथ, ठीक है, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, ये सब का प्रयोग हो, यानी सब्जेक्ट के बाद विथ आए उसके बाद, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो टुगेदर विथ है, या इन एडिशन टू आए, या अलोंग विथ आए, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही होगा, है ना। तो यहाँ पर गर्ल का बात हुआ है, तो गर्ल मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि यहाँ पर द गर्ल्स होता तो क्या होता, मेरा वर्ब मेरा प्लूरल होता यानी आर होता, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जीके के 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बताओ पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सब किसी को आंसर देना है, जल्दी बताओ। लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है, जो कि आप सबको मालूम है कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है और उसमें एक स्थान का प्रयोग किया गया है लोथल, तो वो जो है किस राज्य में है यही बताना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, क्या होगा, गुजरात, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के आरक्षित टिकट में RAC स्तर का पूर्ण क्या होता है? यानी RAC, कभी कभी आप लोग टिकट कटवाते हो तो जो टिकट जो है कंफर्म नहीं मिलता है तो सीट जो है आपका RAC में चला जाता है ना। तो उसी का जो है फुल फॉर्म बताना है हम लोगों को कि RAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताओ क्या होगा, रिजर्वेशन ऑपरेटर कैंसिलेशन, या रिजर्वेशन अमाउंट कंफर्मेशन, या रिसिप्ट ऑपरेटर कंफर्मेशन, या रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन? तो जल्दी बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध रहा है किस क्षेत्र से रहा है, यही बताना है हमको। तो तबला वादन से, या बांसुरी वादन से, या सितार वादन से, या शहनाई वादन से? तो जल्दी बताओ। हरि प्रसाद जी का संबंध जो है वो किस चीज़ से रहा है? तो सबको मालूम है हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, वेरी गुड, तो ऑप्शन बी जो है यानी बांसुरी वादन से है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी का उपयोग है, दूरदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है यही बताना है हमको। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, या सूक्ष्म गणनाओं में, या छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, या समय के मापन में? तो जल्दी से राइट आंसर दो सबको ही। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको ही बताओ। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इसलिए है, पहले आप बताओ कि न्यूमिस्मेटिक क्या है। तो ऑप्शन है, पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन, धातु और सिक्कों का अध्ययन, या ताड़ की पत्तियों का अध्ययन, या तांबे की प्लेटों का अध्ययन? तो गाइस चलिए मैं बता देता हूँ, यानी न्यूमिस्मेटिक जो है उसमें हम लोग धातु और सिक्कों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी जब आप लोग इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ोगे तो उसमें भी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि मतलब न्यूमिस्मेटिक क्या है, उसमें मतलब किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, VVI में कर देना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, यानी धातु और सिक्कों का अध्ययन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो बताओ पनामा नहर से कौन कौन से महासागर जुड़े हैं? तो पहला है हिंद और प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक और प्रशांत महासागर, तीसरा है आर्कटिक और अटलांटिक, चौथा है हिंद और आर्कटिक। तो जल्दी से बताओ।
तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो है ये पनामा नहर से जुड़े हैं, महासागर हैं। कौन कौन से? अटलांटिक और अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, बहुत वीवी आई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है, एक विषाणु है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यही बताना है, सिंगापुर से, मलेशिया से, चीन से या वियतनाम से, जल्दी बताओ। सार्स विषाणु की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो गाइस इसकी भी शुरुआत जो है चीन से हुई। देखो चीन कितना वायरस भेजता है, सार्स भी इसी ने भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक मोहन रेखा, निम्नलिखित देशों के किस देश के बीच की सीमा रेखा है? सबको मालूम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मैक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा भारत और चीन। ठीक है, यानी मैक मोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच की रेखा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो जल्दी से बताओ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या लंदन में है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? तो झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या सतलज नदी, जल्दी से बताओ। दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ कौन सी नदी है, झेलम, चिनाब, व्यास या सतलज? तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चिनाब नदी पर जो है दुलहस्ती परियोजना का निर्माण किया गया है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो